कहते हैं ना दोस्तों कि जब खुशियां आती हैं तो साथ में दुख भी जरूर आता है। तो दोस्तों कुछ हुआ है आपके भाई के साथ ऐसा जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आपको बताया गया इसके भी रिसेंट में हमारा जो चैनल है 70K सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट किया था गाइस, मतलब कर चुका है गाइस। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग ने भर भर के मुझे बधाई दी, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी 70K सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन 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 गाइस आप लोग को बताया गया इसकी खुशियाँ के साथ दुख भी जरूर आता है। तो गाइस अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक वेबसाइट यानी कि एसपी टेक्निकल के नाम से जो मेरा एक वेबसाइट था जिसपे आपको सारी मटेरियल देता था गाइस, उस पर जो है एड लिमिट आ चुकी है। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक प्यारा सा सपोर्ट दिखाना है, इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, हमारा जो मटेरियल है उसे डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों जो पहले आप डाउनलोड करते थे डायरेक्ट वेबसाइट पर क्लिक करके, अब आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा जो कि गाइस आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा ये कैसे आपको हमारी मटेरियल को डाउनलोड करना है, उसका जो प्रोसेस है वो आपको आगे मैं बताऊंगा प्रीव्यू के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका भाई लेकर आ चुका है बहुत ही कमाल का एक ओल्ड हिंदी सॉन्ग पर ब्यूटी ट्यूटोरियल जो गाइस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। गाइस आज की वीडियो में बहुत ही कमाल कमाल के नए नए इफेक्ट भी ऐड किए हैं जो गाइस आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो सॉन्ग है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है क्योंकि दोस्तों शादी का सीजन आने वाला है और कुछ इससे रिलेटेड जो सॉन्ग होने वाला है। ठीक है तो गाइस चलिए आज का जो प्रीव्यू देखते हैं उसे देख लेते हैं। उससे पहले गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा और ध्यान से जाइएगा। प्रीव्यू के बाद आपको बताएंगे कि हमारे जो मेरे कैसे डाउनलोड करना है, तो उसे भी आप देख कर जाइएगा। तो कैसा लगा आपका इसका प्रीव्यू स्टेटस जो है गाइस बहुत ही कमाल कमाल के नए नए आपको जो इफेक्ट देखने को मिला होगा, ऊपर से नीचे जो फ्लैश इफेक्ट और दोस्तों इसमें जो इसमें इफेक्ट और आपको दिखाया जा रहा है इसे आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप अपना फोटो एप्लीकेशन और का फोटो लगा करके इस प्रकार का बिल्कुल इंटरेस्टेड वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड गाइस जो मटेरियल डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो आपको हम बता देते हैं। गाइस मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे कि ऑल मटेरियल नाम का एक लिंक देखने मिलेगा, उसी नीचे आपको लिंक पर क्लिक करेगा। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मेरी एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जो कि सूरज प्रजापति टेक्निकल नाम से, और गाइस आप चाहे तो उस पर सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम पे सूरज प्रजापति टेक्निकल। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल ओपन होने के बाद जिस भी आपको थंबनेल मैच करना है और टाइटल भी हो सकता है तो मैच कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ आपको थंबनेल देखना है। और थंबनेल मैच हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ टाइमर चलता हुआ दिखाई देगा या फिर आपको डाउनलोड बटन देखने को मिलेगा या फिर आपको टाइमर चलता हुआ दिखाई दे देगा। तो गाइस सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, उस पर आपको सारा सॉन्ग बीट मार्क प्रीसेट एक्सएमएल म्यूजिक वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको बीट मार्क पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा आपको ये ले जाएगा आपके अलाइट मोशन में इम्पोर्ट कर देगा। तो गाइस इतना आपको कर देने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, आपको वीडियो क्रिएट करना है गाइस। वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन, या आपको इजीली आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। और इसे कैसे कैसे क्रिएट करना है आपका भाई बिल्कुल इजी स्टेप बताएगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड दोस्तों चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों चलिए प्रेपरेशन सीख लेते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एक एक पार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, नहीं तो आप लोग को वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो सबसे पहले आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है गाइस। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे जो कि मेरे वेबसाइट पर अपलोड है। देखो ऐसे आपको सबसे पहले यहाँ पर हमारे या फिर हमारे वेबसाइट को सर्च कर लेना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसे इम्पोर्ट कर लीजिएगा। ऐसे इम्पोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से सॉन्ग बीट मार्क और शेक इफेक्ट नाम का इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, प्रीसेट एंड शेक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सॉन्ग बीट मार्क सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है गाइस। सिंपली आपको ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर गाइस आपको अपना फोटो अटैच करना है बीट के अकॉर्डिंग सभी जगह पर गाइस, तो फोटो अटैच करने के लिए आपको सिंपली प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है, और यहाँ पर आपको नाम पर क्लिक करना है, आपकी गली के
का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जिस भी गली में आपका फोटो रहेगा वहाँ से आपको इसको अटैच करना है। जैसे कि मेरा इस पर फोटो अटैच है तो हम इस फोटो पर क्लिक करेंगे, सिंपली थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देंगे और गाइस अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे और बच्चों के भाग को इस प्रकार से कट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ से लेकर के यहाँ पर जितने भी बीट देख रहे हैं बीट के अकॉर्डिंग सभी जगह पर आपको फोटो को अटैच करना है। एंड फोटो अटैच करने के बाद इफेक्ट कौन कौन से लगाने कहाँ पर लगाने तो आपको बताने हैं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों जो आपको ब्लिंकिंग कलर देखने को मिला होगा वो कलर इफेक्ट कैसे लगेगा और दोस्तों उसमें अंदर जो लाइटिंग के साथ इफेक्ट दिखाई दे तो वो भी कैसे लगेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग फोटो को अटैच कर लेते हैं, लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पर हमने बीट के अकॉर्डिंग फोटो अटैच करने के साथ साथ इफेक्ट भी लगा लिया है, तो आप भी गाइस लगा सकते हैं बिल्कुल इजी स्टेप में। सबसे पहले गाइस स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे सबसे पहले गाइस आगे हम आपको दिखा दें यहाँ पर जो कलर वगैरह इफेक्ट है, यहाँ पर गाइस कलर इफेक्ट है, लाइटिंग इफेक्ट है, तो वो सब आप कैसे लाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आप देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो लाइटिंग इफेक्ट लगाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आप इफेक्ट देख रहे हैं जो पहले से लगा हुआ है गाइस यहाँ पर आपको इसको जब नीचे आएंगे यहाँ पर गाइस नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 इस प्रकार से गाइस लास्ट में 5 तक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गाइस जो आपका 5 तक लिखा हुआ है तो आपको इफेक्ट में हम दिखाते हैं, पहले इफेक्ट में ओपन करने यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 टोटल 5 इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि नंबर वाइज यहाँ पर फिक्स है। तो नंबर जैसे फिक्स इस बीट के अकॉर्डिंग आपको फोटो के साथ साथ इफेक्ट को अटैच कर देना है। अब गाइस इफेक्ट वगैरह ऐड कर देने के बाद यहाँ पर जो आपका कलर और लाइटिंग इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर ये कैसे इनेबल होगा, सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से फोटो, इस फोटो को आपको इस प्रकार से पकड़ के रखना है, ठीक है। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर जो इस प्रकार का सिंबल बन जाएगा तो आपको स्क्रॉल करके इस प्रकार से नीचे आना है, ठीक है। गाइस इस प्रकार से आपको नीचे लाना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिंपली आपको कुछ इसी प्रकार से आपको कर लेना होगा तभी आपका ये हो पाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर गाइस इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब गाइस स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा ग्रुप, तो ग्रुप के नीचे आपका जो नीचे वाला लाइन दिखेगा सिंपली सभी के नीचे आपको इस प्रकार से रखना है। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो इस प्रकार से एनिमेशन के साथ ही आपको ये फिर देखने को मिला जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही कमाल लग रहा है। अब गाइस सेम टू सेम जब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा जो बड़ा बड़ा बीट है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा जब आप फोटो वगैरह अटैच कर देंगे तब, ठीक है। गाइस अटैच करने के बाद सिंपली आपको इसको भी आपको इस प्रकार से पकड़ना है और सिंपली जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको भी सिंपली इस प्रकार से करना है, जो भी आप अपना फोटो लगाए रहेंगे उसको भी आप यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो इसको के नीचे जैसे से ला रहे हैं सिंपली आपको भी कुछ इस प्रकार से आपको लाना होगा तो आप गाइस इस प्रकार से आपको करना होगा। गाइस स्क्रॉल करके इस प्रकार से नीचे ला रहे जैसे मैं आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से आपको लाना होगा। एंड गाइस स्क्रॉल करके इस प्रकार से हम नीचे इसको कर लेते हैं जैसे से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिंपली आपको वैसे करना है। अब गाइस यहाँ पर हम इस ग्रुप पर आ गए हैं तो इस ग्रुप के नीचे आपको जो लेयर दिखाई दे रहे हैं सभी लेयर पर आपको इस प्रकार से जो सबसे नीचे ला के इस तरह से आपको छोड़ देना है। तो गाइस इस प्रकार से आपका ये एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि बहुत यूनिक बहुत ही ऑसम भी लगने में लग रहा है। अब गाइस स्क्रॉल करके इस प्रकार से आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद आपको एक जगह और देखने को मिल जाएगा, इसमें नीचे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो लेयर है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो फोटो इसके ऊपर आप रखे रहेंगे आप इस फोटो को इस प्रकार से पकड़ लीजिएगा और पकड़ के आपको नीचे ना जैसे मैं यहाँ पर आप लाए थे ना तो यहाँ इसके ऊपर आपको जहाँ जहाँ जो जो दिखेगा सिंपली सभी को आपको इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर कहीं जैसे जैसे मैं करूँ आपको भी इसी तरह से आपको करना होगा तभी आपका आप जो है कंप्लीट हो पाएगा वीडियो। तो यहाँ पर कहीं जैसे 3 नंबर है यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देख रहा लेयर सिंपली आपको यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ तक मिला देना है। तो ये कुछ इस प्रकार के एनिमेशन था जो आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही कम माल का रहा है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग वाले बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसे अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।